सब दोस्तों और प्यारों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ शेफ सलीम और आप देख रहे हैं वन बाइट विद सलीम। और आज मैं आपकी खिदमत लेके हाजिर हुआ हूँ चिकन स्टर फ्राई की रेसिपी। स्टर कई टाइप के बनता है लेकिन मैं यहाँ पे आपको चाइनीज़ स्टाइल में बताऊँगा। चाइनीज़ में भी काफ़ी टाइप का बनता है लेकिन सबसे आसान और जल्दी बनने वाला चिकन स्टर फ्राई आज हम सीखेंगे। यहाँ पे चिकन ले लिया 400 ग्राम और उसको धो के खुश करके क्यूब में काट लिया। गाजर ले ली दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने काट लिया क्यूब में। जुकीनी और फिर शिमला मिर्च दो दरमियाने साइज़ की क्यूब में काट ली मैंने। और ये देखें कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपको अच्छी लगे आसानी से आप कर सके वो काट लें। और इसी तरह प्याज चॉप्ड, यहाँ पे गार्लिक चाहिए, लहसुन और चॉप्ड जिंजर, अदरक और ये ब्लैक ड्राई मशरूम, ये मार्केट से इजीली मिलते हैं, पानी में सोख करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने स्लाइस में फिर उनको काट लिया। एक घंटा भर मैंने इनको भिगो के रखा था नीम गर्म पानी में। उसके बाद आपने इस तरह पानी इसमें से निकाल के निचोड़ के इसकी स्लाइस में कर लेनी है कटिंग। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। यहाँ पे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, चिकन में चला जाएगा नमक, हसबे जायका, और इसी के साथ चिकन पाउडर 1/4 टीस्पून, और यहाँ पे जाएगा कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च 1 टेबलस्पून, और इसी के साथ मैदा वाइट फ्लोर, आम घरों में जो मैदा यूज़ होता है वो 1 चम्मच, उसको छान के डाल लिया। और 1 अदद अंडा हम तोड़ के पूरे का पूरा जो है इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, और इसी के साथ सोया सॉस, लाइट सोया सॉस मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1 टीस्पून। इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे यहाँ पे मिक्स, और 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे। और उसके बाद हम इसको करेंगे यहाँ पे डीप फ्राई। कोई भी स्टेप आपने छोड़ना नहीं है, रेसिपी को अच्छा सीखने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑयल हमारा हो गया गरम, ड्रॉप्स गिरा के मैंने चेक कर लिया और ड्रॉप्स हमारे फौरन ऊपर आ गए। यहाँ पे चिकन हम करेंगे फ्राई। बहुत ज़्यादा आपका ऑयल यहाँ पे गरम नहीं होना चाहिए, बस इतना गरम हो कि चिकन हमारी जो है वो ड्राई ना हो, बस ये। और आपने जल्दी से इसकी साइड कर ले रही है चेंज, और आपने गोल्डन सा कलर आने का वेट करना है, बस ये। और फौरन आपने इसको बाहर निकाल लेना है। अगर बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो चिकन अंदर से जूसी नहीं रहेगी, ड्राई हो जाएगी और फिर आपको खाने में अच्छी शायद ना लगे, इसलिए आपने इसको जो फ्राई करना है वो बहुत नॉर्मल करना है। बस इसका कलर जो है वो ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्योंकि कुकिंग टाइमिंग इसकी आगे भी है, इसने आगे भी चल के कुक होना है। तो बस आपने इसको गोल्डन सा करके फटाफट बाहर निकाल लेना है। काफ़ी दफ़ा रेसिपी जो है वो इसलिए भी आपकी अच्छी नहीं बनती कि कुछ चीज़ों को इग्नोर अगर करें तो वो फिर सही रिज़ल्ट उसका नहीं आता। और चिकन हमने यहाँ पे सारा कर लिया फ्राई। अब चलते हैं मेन डिश की तरफ, और यहाँ पे वही ऑयल जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था वो डाल लिया। 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक 1 टीस्पून चला गया, और चॉप्ड जिंजर वो भी 1 टीस्पून। दोनों चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी हैं। और इसको हम यहाँ पे करेंगे सौते, बस इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर शामिल कर लेंगे हम क्रश चिली, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून काफ़ी है इतनी रेसिपी के लिए। अगर आप इसको थोड़ा स्पाइसी और बनाना चाहते हैं तो आधी टीस्पून आप इसमें और डाल लें, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। और इसको बस मिक्स करते साथ ही आपने बर्न नहीं होने देना, और फौरन थोड़ा सा पानी चला जाएगा। इसको हम यहाँ पे करेंगे कवर, और फ्लेम हम अपना यहाँ पे कर लेंगे बिल्कुल लो, 2 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे। और ये देखिए हमारी एक सॉस जो है यहाँ पे रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टर फ्राई चिकन बनाने के लिए उसकी कोई भी सॉस जो है वो बहुत मायने रखती है। अगर आपकी सॉस अच्छी बन गई, आपकी बेसिक जो चीज़ है वो अच्छी बन गई, तो आपकी पूरी रेसिपी जो है वो अच्छी बनेगी। यहाँ पे गाजर डाल देंगे जो हमने क्यूब में काट के रखी थी, शिमला मिर्च, सारे वेजिटेबल एक के बाद एक हम शामिल कर लेंगे। यहाँ पे प्याज भी चले गए, और इसी के साथ यहाँ पे जुकीनी जो हमने काट के रखी थी वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे, और ड्राई मशरूम जो हमने सो करके रखे थे स्लाइस में काट लिए वो भी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे।
और इसी के साथ जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था अब उसकी बारी है, वो भी हम शामिल कर लेंगे यहाँ पे। और बस सब मिनटों में हमारा स्टर फ्राई जो है वो रेडी यहाँ पे होने वाला है। और इसको हल्का सा यहाँ पे करेंगे मिक्स, और इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे नीम गर्म पानी। और अगर आप सॉस ज़्यादा रखना चाहते हैं तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लें, मैं बस दरमियाना सा इसमें सॉस रखूँगा, इसमें मॉइस्चर हो, और बस इतना। और कुछ चले जाएंगे स्पाइस यहाँ पे, नमक, उस पर जायका, इसी के साथ चिकन पाउडर हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर लेंगे, काली मिर्च पाउडर या कुटी हुई काली मिर्च वो चली जाएगी 1/4 टी स्पून, और सोया सॉस, लाइट सोया सॉस इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, और ऑयस्टर सॉस 1 टेबल स्पून, और इसी के साथ सफ़ेद सिरका वाइट विनीगर वो चला गया 1 टेबल स्पून। और इसको हम यहाँ पे करेंगे मिक्स, और हम इसको कवर करके पकाएंगे 1.5 से 2 मिनट तक बस, ताकि वेजिटेबल आपकी बहुत ज़्यादा गले नहीं, क्रंच उनमें रहना चाहिए। और जनाब इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छी लगें थम्स अप दें, दोस्तों के साथ प्यारों के साथ उनको शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। यहाँ पे एक अच्छी जो है खुशबू आना शुरू हो चुकी है। कॉर्नफ्लोर 4 टेबल स्पून और आधा ग्लास पानी में मैंने मिक्स कर लिया, अब उसको यहाँ पे डालेंगे और साथ साथ ही इसको मिक्स करते जाएंगे। जब भी आप कॉर्नफ्लोर डालें सूप में, सॉस में या किसी भी चीज़ में, तो आपने फ्लेम कंट्रोल में करके उसको डालना है और साथ साथ मिक्स भी करते जाना है, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपकी सॉस की जो थिकनेस है वो कितनी हो रही है और आपको कितनी चाहिए। यहाँ पे स्टर फ्राई हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर इसमें नहीं डालना वरना ये बहुत थिक हो जाएगा। और ये जनाब हमारा चिकन स्टर फ्राई यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, वाइट राइस के साथ, वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ, एग फ्राइड राइस के साथ आप इसको सर्व करें, बिल्कुल आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये इसकी होगी थोड़ी सी गार्निश, उम्मीद करता हूँ आपको ये चिकन स्टर फ्राई बहुत पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़ो निगेबान।